कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। बेटा हम नागपुर जा रहे हैं ताजुद्दीन बाबा की ज्यारत करने, वहाँ पर जाकर हम चादर चढ़ाएंगे, आपके लिए और आपकी अम्मी के लिए दुआएं मांगेंगे। ओह तो ये बात है, उसका तो बस एक ही इलाज है, जबरदस्त इलाज। भाईजान हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। गुलबतन तो? और इससे मेरा निकाह हुआ है। क्यों ना इसका बच्चा गिरा दूं? असलम, ओफो बेटा ये जीनत को क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, रुखसार ने इसे थप्पड़ मार दिया। ये कमबख्त तो इस बच्ची तक को नहीं छोड़ती। चुप हो जा बेटा। असलम आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। वो कैसे? गुलबदन माँ बनने वाली है। सच अमी? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी भी देख कर आ रही हूँ। जीनत बेटा आप चाहते थे ना कि आपके साथ खेलने वाला छोटा भाई हो। हाँ दादी। तो फिर वो आने वाला है। कहाँ से आ रहा है? अल्लाह मियाँ के घर से। कब तक आएंगे हमारे छोटे भाई? बस कुछ ही महीने में। वेरी गुड वेरी गुड। खाते ही बेचारी गुलबदन का बच्चा पानी बनकर रह जाएगा। मेरी हमशीरा। क्या आपने मुझे अपनी हमशीरा कहा? क्यों अच्छा नहीं लगा? अल्लाह आपने इतना प्यारा अल्फाज निकाल कर सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। सच कहूं मैं तो आपकी मकबूज हो गई हूँ। नहीं, जब मैंने तुम्हें बहन कहा है तो मैं बहन की कर्जदार कैसे बन सकती हूँ? अच्छा एक बात बताओ, यू अनमनी से क्यों लेटी थी? हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बस इतनी सी बात? तुम ये पपीता खाओ,
तुम्हारी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, भीग आ गया था। ओह, खाओ ना। ये तो क्या कर रही है? हम दोनों के बीच में तुम्हारा क्या काम है बुढ़िया? नुकसान, खुदा के खौफ से डर। उसने तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है, तो फिर क्यों शैतान की शक्ल अख्तियार कर रही है? बुढ़िया हमेशा आ जाती है मेरा काम बिगाड़ने। तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इसने पपीते में क्या छिड़का था? मैं मार डालना चाहती थी गुलबदन के बच्चे को, खत्म कर देना चाहती थी उसे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कमजोर मेरे घर पर, मेरे शोहर पर, मेरे हक पर डाका डाले और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूं, हर किस नहीं। और तुम सब लोग कान खोल कर सुनो, अगर ये नामुराद इस घर में रही ना, तो मैं इस घर को जहन्नुम की आग में झोंक दूंगी, कब्रिस्तान बना दूंगी इस आशियाने को। बस। क्यों बेटा जीनत, खाना क्यों हटा दिया? बहुत खा लिया दादी, अब नहीं। क्यों, गुलबदन ने खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? बहुत अच्छा बनाया, पर मम्मी ऐसा नहीं बनाती। हाँ बेटा, अब तुम्हारी अम्मी के हाथों में वो लज्जत कहाँ जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही। ओके बेटा, बाय। थैंक्स। गुलबदन, अगर तुम मुझे शादी के पहले मिल जाती तो मेरी पहली शादी मेरे लिए अजाब ना होती। बाय। क्या हुआ गुलबदन, दर्द हो रहा है क्या? जान निकली जा रही, फौरन हॉस्पिटल चलने की। असलम, असलम बेटा उठ, जल्दी उठ बेटा। क्या? गुलबदन को अस्पताल लेके जाना है। अगले उसकी जचकी का टाइम हो गया है। हाँ? जल्दी कर। अच्छा जी, चलो चलो। क्या हुआ? दबा दबा ये क्या हुआ? अरे दरवाजा किसने बंद किया है? ताला मैंने लगा दिया है। ताला तो मैंने गुलबदन के कमरे का भी लगा दिया है। मत जाएगी वो। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मर जाए।
रुक जाओ, पागल मत बनो, दरवाजा खोल दो। ताला तो खुलेगा मगर उसकी मौत के बाद। देखो रुखसार, पुलिस केस बन जाएगा, दरवाजा खोल दो। पुलिस केस बनना है तो बन जाने दो, वैसे भी मर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी साथ में ले डूबूंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने सोच को जिंदा नहीं रहने दूंगी मैं। बेटी रुखसार, मैंने खुदा के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाया, आज तुम्हारे आगे झुकाती हूँ। ए बुढ़िया चुप, अपने आंसू संभाल के रख, गुलबदन के मैयत पर काम आएंगे। हो गई तुझे तसल्ली, मिल गई कर लीजिए को ठंडक, चराग जलाओ, घी के चराग जलाओ, खुशियां मनाओ। दुख की बात कब क्या मर गया, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुलबदन बच गई। अफसोस तो इसी बात का है कि वो इस बार बच गई, अगली बार नहीं बची। फिक्र मत कर, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। कैसे फिक्र ना करूं अम्मी, बरसों के बाद खुशियां हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, वो भी हमसे छीन गई। बेटा अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, अब तो जो होना था सो हो गया। चल ऊपर चल के देखे गुलबदन कैसी है, चलो। सो रहा है, सो लेने दो।
ये क्या कह रहे हैं आप? अभी से दूध तो पी लेने दो, फिर बाद में खूब प्यार कर लेना। बेटी, ये तुम्हारा मुन्ना नहीं है, ये तकिया है। तकिया? ये तकिया नहीं, मेरा मुन्ना है। अरे असलम मियां, अम्मी को बोलते क्यों नहीं? ये मेरा मुन्ना है, इसे मत लो, ये मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरा मुन्ना मत ले, ये मुझे दो। आन चूरी चप्पन चूरी, काला बाबा घर को आए, दस पत्ते तोड़े एक बच्चा कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन, वहां से लाई दो कंगन। रुखसार, तुम तो अपनी बच्ची के साथ खेल सकती हो, मगर गुलबदन किसके साथ खेले? अपनी बदनसीबी से साथ। उसकी बदनसीबी की जिम्मेदार भी तुम हो। एक बीवी के रहते हुए जब शौहर दूसरी बीवी घर ले आता है, तो उस बीवी के साथ उसकी बदनसीबी अपने आप दामन पकड़े चली आती है। यह गलत है, सरासर गलत है। अंजाम तुम्हारे सामने है। यह अंजाम नहीं, यह अजीम गुनाह है, और यह गुनाह किया है तुमने। तुमने एक माँ की ममता का मासूम खूने ना, एक ऐसा कत्ल जिस कत्ल की सजा सिर्फ सजाए मौत है और कुछ नहीं। ओ, तो जनाबे आला मुझे मौत की सजा देने आए हैं। गुड, मुजरिम हाजिर है। लेकिन हमारी भी एक दलील, एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? बीवी और तलवार में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। बीवी वो तलवार है जिसकी धार पर हर मर्द को चलना पड़ता है, और यहाँ तो दो दो धार है। अब इस दो धारी तलवार के आगे तो अच्छे अच्छे मर्दों की छुट्टी हो गई, तो तुम्हारी क्या औकात है? अच्छा, तो तुम मेरी औकात देखना चाहते हो। वेरी गुड, तो जरा कान खोल कर सुनो। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया। दोगे तुम मुझे? मुझे तलाक दोगे तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूं, पैर की जूती नहीं जब चाहे उतार दी। अब भी बताती हूं मैं तुम्हें। अम्मी। नहीं बेटा, मेरा रोते नहीं बेटा। आओ अब बेटा, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? एक ऐसा तमाशा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज देखोगे। तलाक चाहते हो ना तुम? लेकिन आग में जलकर मरने से पहले मैं पुलिस को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे शोहर ने और मेरी सास ने मिलकर मुझे जिंदा जला दिया। समझे तुम? हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। फोन रखो तुम। क्या कर रही हो ये? क्या पागलपन है? अम्मी, अम्मी नीचे आओ। तुम बंद करो ये पागलपन। क्यों? पुलिस के नाम से डर रहे हो तुम? पुलिस से नहीं डरता हूँ, बल्कि अपनी बदनामी से डरता हूँ। शरीफ लोगों के घर पे पुलिस ही आया करती। ये बंद करो तो। ठीक है, तो फिर आप फैसला हो चुका। किस बात का? या तो तुम गुलबदन को तलाक दोगे, या फिर क्या? या फिर मेरी मौत के जिम्मेदार तुम रहोगे। बेशक मैं गुलबदन को तलाक देने के लिए तैयार हूं, मगर प्लीज ये हंगामा बंद करो। बंद करो ये हंगामा, और प्लीज जाकर ये कपड़े बदलो। सच? हाँ सच, तुम जाकर कपड़े बदलो।
तुमने तलाक देने का वादा किया था, अब जल्दी से ये वादा निभाकर अपना फर्ज पूरा करो। आज की रात कयामत की रात है, इसलिए मेरा फैसला सुन लिया जाए। इस फैसले के सुनने के बाद जमीन फट जाएगी और आसमान टूट जाएगा। मैं शरीयत के मुताबिक खुदा को हाजिर नाजिर मानकर इद्दत के पहले महीने का पहला तलाक अपनी हरदिल अजीज शरीक हयात यानी अपनी चाहत रुखसार को देता हूं तलाक। कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।